हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बिफोर यू बाय सेगमेंट वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 6 डेज इन फलूजा गेम के बारे में, जो कि स्टीम पे अवेलेबल है। जून 22, 2023 को रिलीज हुआ है। सो लेट्स गो। 6 डेज इन फलूजा इज अ फर्स्ट पर्सन टैक्टिकल शूटर गेम जो कि डेवलप किया है हाई वायर गेम्स ने एंड पब्लिश किया है विक्टोरिया स्टूडियोज ने। इन 2029 ये गेम डेवलप करना शुरू किया था एटॉमिक गेम्स ने, एंड देन कोनामी स्टूडियोज इसको पब्लिश करने वाले थे, बट लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी के वजह से कोनामी स्टूडियोज ने इसे ड्रॉप कर दिया। पर एटॉमिक गेम्स ने इसे बनाने कंटिन्यू रखा, पर उसके थोड़े टाइम बाद उन्हें भी ड्रॉप करना पड़ा। देन हाई वाई गेम्स ने इसे परचेज कर लिया, एंड देन विक्टोरिया स्टूडियोज ने इन्हें पब्लिश कर दिया। ये गेम अनरियल इंजन 5 पे बना है आई गेस, बट दिस गेम इज नॉट अनरियल, दिस गेम इज वे टू रियल। दिस गेम इज बेस्ड ऑन अ रियल रियल वॉर। एक इराकी वॉर हुआ था, फलूजा में इराकी वॉर हुआ था, जो कि मरीन्स US मरीन्स उसमें इन्वॉल्व थे, एंड ये गेम उसी पे बेस्ड है। 2000 नवंबर 2004 में ये वॉर हुआ था, एंड उसके ठीक 18 ईयर्स बाद ये गेम रिलीज कर दिया गया। मतलब कौन सा ऐसा गेम है जो वॉर के कुछ 10-15-18 साल बाद ही इस गेम बना दिया और रिलीज कर दिया। इवन 2004 में जब ये वॉर हुआ था, उसके 5 साल बाद ही इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। बहुत लोगों ने तो इस गेम को रिलीज़ होने से रोका भी और इसको डेवलप होने से भी रोका, बोला कि नहीं बनाओ भाई, क्यों बना रहे हो, बट ये गेम बन गया है और रिलीज हो गया है। इस गेम के गेम प्ले एंड परफॉर्मेंस की बात करने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं इस गेम से रिलेटेड। ये गेम एक्चुअली में एक वॉर से रिलेटेड है, एंड एटॉमिक गेम से जब ये गेम बनाना शुरू किया था तो उन्होंने 70 इंडिविजुअल्स के इंटरव्यू लिए थे। इस इंडिविजुअल्स में US मरीन्स, इराकी सिविलियंस एंड इराकी सोल्जर्स, इवन सम टेररिस्ट दे आर इन्वॉल्व। यस, दे टुक अ 70 इंडिविजुअल्स इंटरव्यू, एंड वो इंटरव्यूज़ अगर दिखा दिए गए यहाँ पे तो उनकी बातें आप सुन ही नहीं पाओगे। कुछ डायलॉग्स है, मतलब कुछ वर्डिंग है उन इंटरव्यूज़ की, जो कि फ्लैश होती है गेम के बीच बीच में लोडिंग स्क्रीन वगैरह के टाइम पे। वो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि ये क्या बातें हैं। एक सोल्जर की मैं लाइन बताता हूँ, उसने बोला था कि वी फाउंड अ बॉडी विदाउट अ हेड ऑन द रोड, एंड देन वी फाउंड अ हेड विदाउट अ बॉडी ऑन अनदर रोड। मतलब हमें एक रोड पे सर मिला बिना शरीर के, और दूसरी रोड पे गए तो वहाँ शरीर मिला बिना सर के। ये वॉर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरर बोल लो ये वॉर था। एंड वो सोल्जर्स बोलते हैं कि आज भी उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं उस वॉर से रिलेटेड, इतना ज़्यादा स्केरी वो वॉर था। एटॉमिक गेम्स ने जब ये गेम बनाया था तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था एक सर्वाइवल हॉरर गेम से, उन्होंने बोला था ये सर्वाइवल हॉरर गेम है। बट लेटली ये गेम अभी रिलीज हुआ इन द कैटेगरी ऑफ टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर बैटलफील्ड गेम, जो कि एटॉमिक गेम्स के हिसाब से है ही नहीं। और मैं एग्री करता हूँ, मैंने ये गेम खेला है, ये गेम सर्वाइवल हॉरर होता ना तो भी मैं बोलता हाँ भाई ये सर्वाइवल हॉरर है। अब बात करते हैं इसके गेम प्ले की और परफॉर्मेंस की। गेम प्ले में बताने लायक मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये गेम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और बैटलफील्ड वाला गेम है। इसमें कुछ बिल्डिंग्स होती है, आपको फलूजा में ड्रॉप कर दिया जाता है, स्पॉन कर दिया जाता है एक सपोर्टिंग टैंक के साथ, जो कि आपको बीच बीच में सपोर्ट देता रहता है सम काइंड ऑफ। उसके साथ आपके पास 4 मैक्सिमम लोग होते हैं जो कि जाते हैं बिल्डिंग्स क्लियर करते हैं और फिर मेन ऑब्जेक्टिव पे पहुँचते हैं। अभी ये में सिर्फ 4 ही मिशंस है और सारे मिशंस डे लाइट में होते हैं। बिल्डिंग्स क्लियर करने के बाद जब आप डे मेन ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको अपना फ्लैग लगाना होता है, देन जो बाकी सारे टेररिस्ट है वो आप पे अटैक करते हैं या एनिमीज यू कैन से, उन्हें आपको मार के क्लियर करना होता है। इसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है हर मिशन की, 10-15 मिनट्स तक की टाइम ड्यूरेशन आपको उसके अंदर ही करना होता है। अगर आपको उसके अंदर नहीं किया तो मिशन फेल हो जाएगा। उसके बीच में अगर आपके सारे टीममेट्स मर गए तो मिशन फेल हो जाएगा। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बताया ये रियलिस्टिक है और रियलिज्म पे बेस्ड है, रियल वॉर पे बेस्ड है। तो बैटलफील्ड में जो उस जो रियल बैटलफील्ड में डिफ़िकल्टी होती है वही इस गेम में डिफ़िकल्टी है, तो कोई भी डिफ़िकल्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मे बी ये लोग कैंपिंग में ऐड कर दे, बट जो फायर टीम मोड है जो कि मेरे को बेस्ट मोड लगा, मैं आगे फ्यूचर में भी मैं आगे फ्यूचर में भी वही मोड खेलने वाला हूँ, वो उसमें कोई डिफ़िकल्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है।
इस गेम के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये गेम बहुत सॉलिड चलता है अभी। ये गेम अर्ली एक्सेस में, उनके हिसाब से ये गेम काइंड ऑफ बेटा में है, क्योंकि कैंपिंग मोड वगैरह नहीं है, सिर्फ दो ही मोड है, एक ट्रेनिंग मोड है और एक फायर टीम मोड है। उसके बावजूद भी ये गेम बहुत सॉलिड चलता है। मुझे नहीं लगता किसी भी पीसी पे या किसी भी लैपटॉप पे ये गेम लैग होगा या बगी होगा। आप लो या मीडियम सेटिंग्स पे भी खेलोगे तो ग्राफिक बहुत सॉलिड है इस गेम के, ग्राफिक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक है। इन शॉर्ट बताऊँ ना तो ये गेम बहुत बढ़िया चलता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। ये गेम बहुत बढ़िया चलता है, स्टीम पे अवेलेबल है, बाकी प्लेटफॉर्म पे ये 2024 में आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर। अभी ये गेम स्टीम पर अवेलेबल है फॉर 1500 रुपीज़। मेरे हिसाब से 1500 रुपीज़ में ये गेम बहुत सॉलिड है, बहुत वर्थ है, मतलब परचेज किया जा सकता है। इस गेम में काफ़ी चीज़ें भी आने वाली है, तो 1500 में अभी ले लोगे तो बाद में बेनिफिट हो जाएगा। मे बी ये बाद में लोग इंक्रीज़ कर दे प्राइस जब ये अर्ली एक्सेस से हट जाए और इसमें कैंपिंग मोड वगैरह आ जाए, तो मे बी तब ये लोग गेम का प्राइस इंक्रीज़ कर दे, पर अभी के लिए 1500 इसका प्राइस है। मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड गेम है ये गेम। पीसी के अलावा प्लेस्टेशन 4, 5, एक्सबॉक्स 1, एक्सबॉक्स 1 एक्स एंड एस पे भी आएगा। भाई गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। गेम वर्थ है, मे बी नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर गेम ऑफ द ईयर भी बन जाए, मे बी मतलब नॉट कन्फर्म। गेम बहुत सॉलिड है तो कोई ना कोई अवार्ड तो डेफिनेटली जीतेगा, बड़ा अवार्ड या स्टीम अवार्ड जीत जाए, समथिंग लाइक दैट। गेम बहुत सॉलिड है। Hey guys, so that's it for the video. If you like the video, you can hit the like button. If you dislike the video, chalo kar dena dislike, koi problem nahi. Agar koi bhi question hai related to this game, you can comment below, no problem. Guys, subscribe my channel for more, you know, amazing gaming videos, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.